तो बलशाली बाप राजे रक्षा करे हमारी वे भगवान कुमार कार्तिकेय। तुम्हारे लौटने के बाद घर लौटी और मैंने कब केवल श्रृंगार के लिए नटी की भूमिका
मदरा से प्रेम किया और मैं कब आशाओं के मद में चूर हो मध्यरात्रि को घर लौटा और मैंने कब तुम्हें प्रताड़ित कर अपना पुरुषार्थ दिखाया। मैंने कब तुम्हें ऐसा कहा? क्यों तुमने इस समाज के सामने ये नहीं कहा कि ये तुम्हारा अनुभव है? तुमने भी तो कहा था ये तुम्हारा अनुभव है। मुझे तो ये अनुभव समाज को देख कर प्राप्त हुआ है। मैंने कौन सा अपना व्यक्तिगत अनुभव बताया है? न सूद न कपास और जुलाहों में लटका लटका मुझे रुलाते तुम मत करो हाजी बेटा। जैसे तुम बड़बड़ करते रहते हो कुछ न कुछ बोलते रहते हो। आज मैं अरुण से चित्रा में दोनों को शिकायत करूंगी। पता नहीं इसने मुंह कितना कितना बोला हो मुझे सही। अरे चुप लो मैं गंभीर हो गया। जानती हो ऐसा क्यों हुआ? क्यों हुआ? किन्हीं प्रेम विहीन पति पत्नी की कुदृष्टि हमारे प्रेम पर पड़ी और उनकी कुदृष्टि ने ही हमारे प्रेम को नष्ट करने के लिए ये माया रची। हमें एक दुःस्वप्न दिखा दिया। ये अब तुम्हें इस दुःस्वप्न के दुष्प्रभाव को तत्काल समाप्त करना होगा। मुझे अपने मधुर प्रेम का मधुर गीत सुनाकर इस दर्शकों के चित्त को भी आनंद मिलेगा और वे हमारा नाटक देखने के लिए हाजिर हो जाएंगे। अरे अब क्या हुआ? स्वामी मैं भी गीत नहीं गा सकूंगी। परंतु क्यों? मैंने विगत रात्रि को एक दुःस्वप्न देखा। मेरे बंधुजनों का स्वास्थ्य संकट में है। आप तत्काल संदेश बाहर भेज दीजिए जो उनकी कुशल क्षेम का समाचार ले आवे। अवश्य मैं अभी एक संदेश बाहर भेजता हूँ। तुम तैयार हो। इस तरह महाराज उज्जैन के मंत्री योगेंद्र नारायण राज सेवक सालक को उनका कुशल क्षेम जानने हेतु भेज रहा है। घोषवती वीणा के वादन से हाथियों के समूह को वश में करने की विद्या जानने वाले वत्सराज हाथियों के आखेट पर वेणुवंत हो गए हैं। योगेंद्र नारायण को ये शंका है कि कहीं पड़ोसी राजा प्रद्योत जो कि महाराज से ईर्ष्या रखता है कहीं कोई अनिष्ट न करे। परंतु उद्यान सैनिकों के साथ क्यों नहीं गए? अभी सैनिकों साथ गए ही हैं। कुशलामा दुरुम्नमान और हंसक जैसे वीर साहसी अंगरक्षक भी साथ गए हैं। परंतु शत्रुओं से तो सावधान रहना चाहिए इसीलिए सालक को भेजा जा रहा है। चलो हम भी सालक को खोजते हैं। अकेला आया है क्या? कौशाम्बी की धरती पर संकट की कोई छाया है? जब विदेश गया बांधव उस समय पूर्व लौट आता है। प्रिय अप्रिय की आशंका में मन सबका ही भरमाता है। आर्य सुखी हो? स्वामी ने वेद वंश से नाग बन के ऊपर स्थान तो नहीं कर दिया? आर्य स्वामी तो कल ही नाग बन के और चले गए। अब तो दूत को भेजना भी निष्फल हो गया, छल हो गया, स्वामी के साथ छल हो गया। तुम सर बताओ क्या कुछ आशा शेष है कि हमारे मरण का दिन आ गया? आर्य स्वामी जीवित हैं। जीवित हैं? तब तो विपत्ति नहीं है बहुत बड़ी, पर शत्रु लगा चुके होंगे स्वामी को हथकड़ी। आर्य का अनुमान सत्य है, स्वामी को बंदी बना लिया। आए अनर्थ हो गया, शालंकाय स्वामी को उज्जैनी ले गया, सम्मान के स्थान पर घोर अपमान हो गया। स्वामी को बंदी रूप में पाने की तो प्रद्योत ने स्वप्न में भी कल्पना नहीं की होगी। आज जनसाधारण के रूप में स्वामी कितने दुखी हुए होंगे। अरे बंदी का सम्मान हो या सत्कार उसे छूटना ही होता है। आज मैं रक्षा सूत्र ले आई।
पाए। दुर्भाग्य के आगमन ने सभी मांगलिक प्रयासों को उसी प्रकार निष्फल कर दिया जैसे युद्ध से भाग आए घोड़े की आरती का अनुष्ठान निरर्थक हो जाता। परंतु आर्य की रक्षा सूत्र है। जिया, अब इसका कोई प्रयोजन नहीं। तब फिर आज माता से क्या कहूँ? जिया, बड़ा दुखद समाचार है। क्या समाचार है आर्य? स्पष्ट बताइए। सुना
चप चप चप। अरे क्या नाम है, कहाँ जाते हो तुम? श्रृंगार केंद्र। वर की माता ने तुम्हें उस श्रृंगार केंद्र में देख लिया होगा, उससे उन्होंने अनुमान लगा लिया कि तुम्हारी छोटी बहन कुरूप होगी। क्या मैं कुरूप हूँ? ना 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 प्रिय, उनके यहाँ ये मान्यता है कि अगर बड़ी बहन सुंदर होगी ना तो छोटी बहन कुरूप होगी। हाँ अति सुंदर। परंतु हाय, मेरे माता पिता की चिंता कैसे दूर होगी? युवा पुत्री का विवाह हुए बिना चिंता कैसे दूर हो सकती है? जैसे उज्जैनी नरेश वहां से निकलते, जिन्होंने छल बल से महाराज उदयन का अपहरण कर लिया, जो स्वयं पुत्री का विवाह ना हो पाने की वजह से घोर चिंता से ग्रसित है, जबकि उनकी पुत्री स्वप्न वासव दत्ता कितनी रूपवान है, कितनी गुणवान है, उसके साथ दहेज देने के लिए धन का गुण भंडार है। शगन, कलयुग में अगर दहेज देने के लिए धन का गुण भंडार होना तो दुष्ट और उद्दंड कन्याओं का विवाह भी बड़ी सरलता से हो जाता है, और तुम्हारे पिता आवश्यकता है, और आपको चढ़ाया हुआ भोजन तो
चूहे ही खाते हैं। आपने मेरा ताल क्यों चुराया? अरे ये तो चित्र है, ये तो चित्र है। अरे धन्य हो, धन्य हो चित्रकार महोदय, धन्य हो। इन्हें जितना पूछो उतने ही सच्चे और उतने ही अच्छे लगते हैं। हाँ इन्हें जल से धो दो। अब तो शिव जी को मेरी तरह लड्डुओं के लिए निराश होना पड़ेगा। लड्डू शिव जी, आपने कुछ कहा क्या? कि पागल तो
लोग गए, अब मैं भी चलता हूँ। बम बम बोले, ये कथा मैं सभी राजाओं को सुनाऊंगा।
प्रेम और कर्तव्य दिखा दिया। हम लोगों को वत्सराज को छोड़कर चले जाना चाहिए। इन मित्रों के सारे दूसरे मित्र को काम वासना में पीड़ित छोड़कर जाना भी तो हमारा कर्तव्य नहीं। हम अपना कर्तव्य निभाते निभाते यही बूढ़े हो जाएंगे। ये तो बड़ी प्रशंसा की बात कही है। प्रशंसा की बात तो तब होती जब लोग हमारे प्रेम को जान पाते। लेकिन हमें लोगों से क्या प्रयोजन? हमारा कर्तव्य स्वामी के प्रति प्रेम के कारण है। स्वामी स्वामी हमारे प्रेम को कहां जान पाते हैं? जान जाएंगे, समय आने पर सब जान जाएंगे। मुझे तो नहीं लगता ऐसा कोई समय आएगा। हमारा कार्य सिद्ध होने पर आएगा। तो आप ये चाहते हैं कि कारागार से राजा और अंतर्भूत से वासव दत्ता अर्थात दोनों को हर ले जाए? पहले हमें इसी का विमर्श करना चाहिए। तो सुनो, मैं दूसरी प्रतिज्ञा करता हूँ। जैसे कमल वल्लरी को स्पर्श मात्र से तोड़ डालता कोई हाथी, अर्जुन हर ले गया सुभद्रा को बना रहे अपना जीवन साथी, वत्सराज भी वैसे ही हर ले जाएंगे। यदि ऐसा नहीं हुआ तो मेरा नाम युगंधरायण नहीं, और सुनो, अपहरण कर ले जाऊंगा मैं गोस्वती वीणा नरागिरी हाथी वासव दत्ता स्वप्न वासव दत्ता विशालाक्षी। यदि ऐसा नहीं हुआ तो मेरा नाम युगंधरायण नहीं, युगंधरायण नाम नहीं। बेला ढलने पर ताप कम हो जाने के कारण मार्ग पर लोगों का आवागमन बढ़ गया है। इस अग्निशाला का चार द्वार है। हम सभी विकसित होकर अलग अलग गांव से प्रस्थान करें। नहीं नहीं, हमारा संगठन अटूट है। शत्रु का संगठन टूट जाए और हमारा नहीं टूटना चाहिए। हम अपने कार्य पर लग जाए। हम तत्पर हैं। Bye.
गज सेवक को खोज रहा है। चलो हम भी गज सेवक को खोजते हैं। शीघ्र ले तो जाओ।
वो तो मेरा संकेत बात ही चले जाएगी, लेकिन लेकिन क्या? लेकिन मैंने तुमने क्या? श्रीमान जी। श्रीमान जी क्या? भद्रवती को। अरे हाँ हाँ, भद्रवती को ही ले जाने को कह रहा हूँ। भद्रवती को नहीं कह रहा श्रीमान जी। तो फिर किस किस को लेना होगा? ले तो केवल भद्रवती को ही जाऊंगा। तुम तो केवल भद्रवती को नहीं कह रहे थे। नहीं, मैं भद्रवती को नहीं कह रहा, मैं भद्रवती को तो कह रहा हूँ। अरे भद्रवती को तो क्या? भद्रवती को तो मैंने you
पहले तो केवल नाम सुना था योगेंद्र नारायण, आज योगेंद्र नारायण को देख लिया। देख लीजिए, भली भांति देख लीजिए, मैं वैर कर प्रतिकार करने में लगा था, आज मैं लथपथ हूं। आज मेरी दशा पिता के शत्रु को मारकर शांत हुए अश्वत्थामा से आश्चर्य है। छल बल से अपने स्वामी को हाथी पर सवार कर भगाया, इसे अपनी वीरता कहते हो? और जो मेरे साथ छल हुआ उसका क्या? मैंने तो उसके प्रतिकार में अपना शौर्य दिखाया, इसमें मेरा कोई अपराध नहीं। तुम्हारे स्वामी वत्सराज ने महासेन की पुत्री को अग्नि को साक्षी मानकर अपनी शिष्या के रूप में स्वीकारा, तत्पश्चात उसी का अपहरण कर लिया, क्या ये उचित हुआ? आप ऐसा ना कहें, ये तो स्वामी का विवाह हुआ है, विवाह सुंदरता से विवाह किए बिना उसे शिष्या कैसे बना सकते हैं? महासेन ने वत्सराज को स्वतंत्र कर दिया था, इस उपकार का आभार मानने के स्थान पर उन्हीं की कन्या का अपहरण करना चाहिए था। महासेन ने उन्मत्त नरागिरी हाथी से अपने प्रियजनों की रक्षा के लिए महाराज को स्वतंत्र किया था, क्योंकि वो नलागिरी को वश में करना चाहते हैं। यदि केवल ऐसा होता तो नलागिरी को वश में करने के बाद महाराज उदयन को फिर से बंदी बना लिया जाता। बताइए, हमने महाराज उदयन को फिर से बंदी क्यों नहीं बनाया? लोक निंदा के भय से राजनीति को जानते हुए भी आप ये कैसी बातें करते हैं? बताइए, युद्ध में पकड़े गए शत्रु का शास्त्रों में क्या विधान है? वध, केवल वध। तो हमने महाराज उदयन का वध क्यों नहीं किया? इसी का विचार करके तो महासेन का अपहरण नहीं किया गया। कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये कैसे संभव हो सकता है? ये तो हंसने की बात कही है महाराज। महासेन और उज्जैनी की तमाम सेना के सामने हाथी पर सवार हो गए हैं। महाराज के कौशाम्बी पहुंच जाने पर उज्जैनी का भविष्य क्या रहेगा, आप ये सोचिए। योगेंद्रन, महासेन से ऐसा वैर रखोगे कि कौशाम्बी के भविष्य का क्या होगा? सबको सुनाकर कहो। जो आप यार, आपके अनेक कारणों के कारण हम आपके अवतार को उपकार नहीं मानते, परंतु आपके गुणों का पूरा सम्मान करते हैं, इसलिए इस सुवर्ण पात्र को पुरस्कार के रूप में स्वीकार कीजिए। मुझे खेद है, मेरे द्वारा जलाए गए घर और मेरे द्वारा आहत किए हुए मंत्रियों के हिस्से अभी ठंडे नहीं हुए हैं, और महासेन मेरी पूजा करना चाहते हैं। अरे अपराधी की पूजा करना तो वध है। Thank you.
मूर्ति प्रतिज्ञा योगन नारायण, जिसका निर्देशन किया था हमारे छाऊ के गुरु जी श्री भूमिकेश्वर सिंह जी। चल रहा था अभिषेक बहुत खुश हो रहे हैं।